हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी बज चुकी हैं सुबह की 6:30 और मैं उठ चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ मेरी अभी एक्सरसाइज करने के लिए। रूटीन टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि एक दिन चली गई थी मम्मी के घर, तो वही रूटीन को स्टॉप हो जाता है, वापस कहीं चले जाते हैं, इसलिए उसको कंटिन्यू चलते रहने देने के लिए आज उठ चुकी हूँ। अलार्म चिक्कू को मैंने रखने के लिए बोला था, क्या पता ऐसा कौन सा अलार्म रखा था, हर 2 सेकंड में बज रहा था और जब तक मेरे को इसने बेड से उठाया नहीं तब तक मेरी खैर निकाल दी। तो मैं मेरी एक्सरसाइज करके आ गई हूँ और एक्सरसाइज करने के आने के बाद तो थोड़ी देर बेड पर लेटी रहती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ इसलिए, और पसीना पसीना हो जाता है। और मम्मी कल अहमदाबाद गए थे तो अहमदाबाद से लेके आए हैं गुआवा, क्योंकि ये मेरा फेवरेट है और मुझे इतना ज़्यादा पसंद है। तो अभी मैं इसको वॉश करूँगी और सुबह के लिए अपन को एक फ्रूट मिल गया है। इधर हो रहा है दूध गर्म सुबह के लिए और अपना ब्रेकफास्ट तो अपन को मिल गया। मेरा ब्रेकफास्ट वो भी फेवरेट। हिमू सुबह सुबह हिमी आ गई है, हाय बोल दो, हाय हाय, प्रॉपरली हाय। किशमिश खाओगी? ओ अंजीर है, हिमी अंजीर खा रही है, हिमी अंजीर खा रही है। कहाँ है बिट्टू? अब ये खाओ, ये कोको है। कोको कोको चले, शाशा दादी बुला लिए, चलो आशो। शाशा के कपड़े कौन से? खाने की तो तैयारी कम्प्लीटली हो चुकी है और सिर्फ रोटी बनानी और दाल को तड़का मारना और चावल बॉईल करना, चावल भिगा दिए हैं। और अभी मैं नहा लेती हूँ, तैयार होके फिर करूँगी। 11:30 हो रही है अभी, टाइम सवा, चलो सब काम हो गया। बीच बीच में वो हिम्मी आती है, हिम्मी को खिलाने में टाइम चला जाता है। खाना अभी बन गया है, फ़ोन आ रहा है भाई, शॉप से आ गया है कॉल और अब मुझे जाना है। और प्लेट में भर के फटाफट से खा के अब सीधा शॉप पर, अभी जा रही हूँ मैं शॉप पे और काफ़ी जल्दी में हूँ और शॉप पे कस्टमर भी वेट कर रहे हैं। मैं सैलून पे आ गई हूँ और सैलून आके जो कस्टमर थे उनको मैंने फ्री कर दिया है। और अब मेरे बाल बनाऊँ, इससे पहले मैंने सोचा कि यार ऑयलिंग नहीं हुई, ऑयलिंग कर देती हूँ, और पीछे से बाल है गीले गीले पूरे, तो हल्का से ड्राई होने जाने देती हूँ फिर ऑयलिंग करवा देती हूँ, ताकि कल तक मैं बाल अच्छे से वॉश करवा दूँ। मैंने मेरे हेड में करवाया ऑयल और मैंने साथ ही बनवा दी सागर चोटी, थोड़ा यहाँ से ढीला लग रहा था तो क्लचर लगा दिया था अभी। और अभी बाल कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं, वो चिपको दिख रही हूँ क्योंकि ऑयलिंग मैंने कहा यार करवा देती हूँ, और होली के दिन वापस से करनी है और होली आने वाली है, कोई प्रिपरेशन हुई नहीं है। होली के लिए ग्रुप बना देते हैं, पता चलेगा होली के दिन क्या क्या करना है। होली की तो कुछ अभी तक तैयारी है नहीं, कल के दिन में जो भी है वो सेट करेंगे। और अभी मैं जाती हूँ आगे वाली शॉप पे, पीछे हम फ्री हो गए हैं और अभी टाइम हो रहा है। घड़ी तो आज मैं डिस्चार्ज पहन के आ गई हूँ, हिम्मी खेलती थी तो हिम्मी ने घड़ी खेलते खेलते 5:50 घड़ी खेलते खेलते बेड पे ही रख दी थी। फ़ोन आ गया है कि होली की तैयारियाँ करनी है, अब घर पर जाऊँगी मैं अभी। और कल मेरा एक पार्सल आया है और हाँ, फाइनली मेरे लहंगे का कपड़ा है वो आ गया है, जो कि मैंने मंगवाया था बनारस से, वो आ गया है। तो अब मेरे लहंगे का काम चालू हो जाएगा और अब मेरे मन को भी शांति पड़ गई है। बाकी सारी शॉपिंग हो गई थी, एकमात्र चीज़ रह गई थी वो भी हो गई। और अभी मैं जा रही हूँ आगे शॉप पे, कुछ पार्सल एक और मेरा आया है, देखती हूँ क्या आया है, पता भी नहीं रहता यार कौन से पार्सल आ जाते हैं। कहाँ भैया, कल मेरा कौन सा पार्सल है? वाओ चिपू आ गए, नहीं है, अगर के रखेंगे नो नो। अभी अपन क्या कर रहे हैं? होली खेल रहे, होली खेल रहे, होली की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं, खेल भी। अब क्या कर रहे हो?
अभी हम सब जने बाहर बैठे हैं और होली पार्टी के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कल तो है होली का दहन और परसों है होली। तो नव क्या तैयारी है तेरी? परसों थोड़ी है, देखो मेरा छोटा सा बलून। परसों है? हाँ देख लो, मेरी छोटा सा बलून मेरा। और कुछ दिन में मेरा छोटा सा बलून है, छोटा सा बलून है। वाओ, अच्छा है ना? अच्छा है ना। तैयारी करते करते हो गई 7:30 और अभी मैं घर पे आ गई हूँ। तैयारी में सारी तैयारियाँ कर ली है हमने, कंट्री कलर से लगा कर खाना पीना वगैरह सब अरेंजमेंट कर दिया है, और साथ ही साथ कंट्री करेंगे हम सब जने, क्योंकि हर साल करते हैं और होली बड़े धूमधाम से मनाते हैं। पहले मैं व्लॉग नहीं करती थी, तब मैंने होली का वीडियो डाला है, वो ड्रोन शूट वगैरह सब चिकू ने डाले हैं उसके अंदर, आप देखना और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और साथ ही साथ खाना पीना भी इतना टेस्टी हम खुद ही बनाने वाले हैं, और ड्रिंक्स में भी रखा है, स्वीट में भी रखा है, सब खुद ही खुद यानी सब करेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। कल के व्लॉग में नहीं, परसों के व्लॉग में। अभी बना देती हूँ मैं खाना, घर पे आ गई हूँ, काफ़ी लेट हो गई होली की प्रिपरेशन के चक्कर में। कल तो पूजा है करेंगे होलिका दहन की, और परसों है धुलंडी, हमारे यहाँ पे धुलंडी बोलते हैं, इसलिए घर में मटकी निकल चुकी है क्योंकि गर्मी भी चालू हो गई है। पुरानी मटकी थी उसको ही आज भर के रखा है, और पानी एकदम मटकी का ठंडा ठंडा पीने में का मज़ा ही कुछ और है। और आज तो गर्मी इतनी ज़्यादा थी, और मम्मी के रूम में एसी चेंज हो रही है, दूसरी एसी लग रही है। अभी क्या हुआ ना कि मेरे रूम में मैं शिवाजी से बात करती करती अंदर आई, और जैसे ही देखा दो बड़ी बड़ी छिपकलियाँ, और एक तो यहाँ पर थी इस जगह पर, और एक यहाँ पर थी इस जगह पर, अंदर जैसे घुसते हैं ना तो यहाँ पे ऊपर ही। तो मैं अंदर आ तो गई एक बार, फिर मम्मी को बुलाया, मम्मी ने एक तो निकाली जैसे तैसे करके, दूसरी मम्मी से नहीं निकल रही थी, पापा ने मम्मी ने दोनों ने मिल के निकाली। जैसे ही छिपकली बाहर गई चिकू के ऊपर चढ़ गई, और चिकू के इधर चिपक के चिकू नाच रहे उसको गिराने के लिए। वो मैं शूट ही नहीं कर पाया, शूट क्या करूँ, मेरी तो फटी पड़ी थी, मैं तो इतनी ज़्यादा डर गई थी, बस एक रोई नहीं इतना है। अभी भी हार्ट बीट तो इतनी फास्ट है, बहुत ज़बरदस्त की, बाप रे छिपकली वाला काम बहुत ख़राब है। दो दो रूम में घुस गई, हे भगवान, कहीं कपड़ों में घुस जाती तो मैं क्या ही करती। जस्ट मैं हुई हूँ फ्री डिनर से, और आज हमारा डिनर था श्री मंजिल, एक बार कभी व्लॉग में बताया था तब, वहाँ पर खाना वगैरह सब यहीं से बनाकर वहाँ पर ले गए थे, फिर वहाँ पर शांति से बैठ के खाया। और अब भी आई हूँ घर पे, और आते ही सबसे पहले तो मैंने चेंज किया, और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, दो ही दिनों में इतनी ज़बरदस्त गर्मी आ गई पूछो मत। और अभी जस्ट मैंने आके एसी चालू किया, चिकू तो अभी तक वहीं पर हैं, वो एसी एक्सचेंज होने का कुछ रिप्लेसमेंट या फिर एसी का कुछ एक्सचेंज वगैरह चल रहा है, तो वही एसी को वहाँ पर असेंबल करवा रहे, तो वो भी बेचारे वहीं पे। और मैंने एसी चालू कर दिया यहाँ पे, तो ठंडा हो जाता है कि उनको आके चिड़चिड़ापन नहीं हो, क्योंकि गर्मी इतनी है, चिड़चिड़ापन अपने आप आ जाए। और आज ही मैंने ऑयल डाला है, और गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है, और गर्मी से बालों में पसीना आता है तो इचिंग होती है, और मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ। तो यहीं पर कर देती हूँ व्लॉग का एंड। अगर आज का व्लॉग देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, मिलते हैं कल के अच्छे से व्लॉग में। ओके बाय।